जैसा ये 8 गाय हैं आपके पास, कितनी जी जी कितना दूध हो जाए लगभग आपका? एक क्विंटल दूध हो जाए घर घर का ही जी। तो इसमें आपका ठीक एवरेज आ जाए, जैसे भाई किसान दूर भाग रहे इससे पशुपालन से? नहीं बढ़िया आ जाए, बढ़िया एवरेज आ जाए, आपका खर्चा निकल जाए, बचत भी हो जाए। घास फूस घर का है जी। हाँ जी। और अपना रात तक गेट है जी। नहीं जैसा आज के बच्चे जो हैं इससे दूर भाग रहे पशुपालन से, आप क्या कहना चाहोगे इन बच्चों को? जो जी मारा था बढ़िया काम चल रहा, आपका बढ़िया चल रहा, सही पड़ता है रहा है जी। मैं आदमी हिला करना नहीं चाहते जो ने दूर भाग रहे। अच्छा, तो आप मतलब आपके यहाँ घर के ही हो जाए नए जो पशु तैयार के, कुछ लेकर आने भी पड़े? बस ज्यादा तो घर के ही हो जाए जी, मैं तो बेच ही लो एक दो आए साल। अच्छा, बेच भी लो? बेच ले। और नस्ल आपने बढ़िया तैयार करी ली? हाँ बढ़िया तैयार। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज समरा भाई के घेर में पहुंचे जो किसान है भाइयों, और पशुओं का पालन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। इनके पास कई गाय हैं और भैंस भी बहुत बढ़िया नस्ल की हैं, और गाय हैं एक से एक। भाइयों आज इनका पशुधन दिखाऊंगे भाइयों, और इनका गाँव है खुरगांड कैराना क्षेत्र में, जिला शामली पड़ता है भाइयों। तो किसान भाई से मुलाकात कराऊंगे, इनका पशुधन दिखाऊंगे भाइयों, आज सारी जानकारी लेंगे भाई कितने दूध की गाय भैंस रख रहे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय करा दीजिए एक बार जी, जैसा नाम और गांव कहाँ पे है आपका? गांव तो कुरगान है जी। अच्छा जी। और तहसील कैराना जी, जिला शामली जी। और नाम जी आपका? समरियाब। समरियाब जी। जी वैसे समरा कहते हैं? हाँ समरा कहते हैं जी। तो आपके पास कितनी गाय कितनी भैंस है जी? ये तो जी 8-9 गाय है जी, 10। अच्छा, और ये मैंस हैं। भैंस कितनी जी? मैंस 3 है बाल तो। अच्छा 3 है जी। तो ये इतने पशुओं का जो आपके पास है, इनका प्रबंधन किस तरीके से रखो जी? कितने आदमी हैं आपके पास रखने के लिए? बजी 2 आदमी हैं। अच्छा, 2 कर लो इतना का। हाँ, कुछ घर के आदमी लग जाए, बच्चे, कुछ बच्चे लग जाए जी। तो आपका दूध का काम है जी किस तरीके से, या घर के लिए पाल रहे, शौक है किस तरीके से पालो इन्हें? बजी शौक है ज्यादा तो, पशुओं का शौक है। पशुओं का शौक है, बढ़िया गायें बढ़िया भैंस रखूं मैं जी, और ज्यादा दूध वाली रखूं। ज्यादा दूध वाली रखूं? ज्यादा दूध वाली। तो जैसे मान लो ज्यादा दूध की रखो आप गाय, तो इनमें बीमारी शिमारी की समस्या नहीं आती? यहाँ नहीं जी कुछ भी आती मेरे तो। अच्छा, फुहारे लगवा रखे हैं, गर्मी तो आवे समस्या। अच्छा, तो अब आपने फुहारे लगवाए? ये फुहारे लगवाए बहुत बढ़िया रहे। अच्छा, इसी साल लगवाए? इसी साल लगवाए, दूध भी बढ़ के दिया और साल लोटा। अच्छा, गाय गर्मी मानना थी ज्यादा? गर्मी मानने थी जी। आ जाओ दिखाइयो एक बार अपने पशुओं को, वहां से दिखाओ जी। जी तो ये देखो भाइयों, ये गाय है और भैंस है भाई के पास 2-3। अच्छा, ये भैंस होगी जी, एक बट्ठी और 2 खड़ी जी। ये कहाँ की है जी भैंस? ये थोड़ा इधर को आओ, हरियाणा की है जी। अच्छा जी, तो ये हरियाणा से ला रखी जी। ये कितने दूध की है जी? ये जो जट्ठी खड़ी होगी जी जी, है। अच्छा, ये खुआरके की 15 लीटर दूध है जी खुआरके में। अच्छा, इसका 15। अरे ये जो तकड़ी सी है जी, ये तो 20-20 लीटर दूध की, 18-20। अच्छा जी, ये 18-20 के करीब देता है जी जी आराम। ये कौन से ब्यात में? या तीसरे में है जी। अच्छा, या तीसरे में। और ये जो साइड में? या तीसरे ब्याह होगी। या तीसरे ब्याह होगी, या भाग रही है अभी? या भाग रही जी। अच्छा, तो ये देख लो भाई, ये फुहारे, ये जो है फुहारे लगवाए भाई ने, और इस साल इनकी सुविधा करवाई, गर्मी मानते होंगे ज़्यादा। तो आ जाओ जी एक बार। तो भैया ये देखो, साफ सफाई का प्रबंध है, और ये गाय होगी इनकी, आ जाओ एक बार आप देखो। तो ये गाय कौन से ब्यात की है जी? ये तो दूसरे ब्यात की है जी। दूसरे में? यह दूसरे ब्यात में जी जी। यह घर की है? घर की है जी। अच्छा, यह कौन सी गाय की? यस की है जी, धोली की। यह जो धोली है वहाँ, यह कौन सी नस्ल है? एचएफ है जी। ये एचएफ? अच्छा, ये कहाँ दांत होगी जी? यह 4 दांत है जी। अच्छा, 4 दांत। पहली बार भी आ रही है? 2 बार जी। दूसरा भी आ रही है? यह कितना दूध देती थी? यह दे जी 25 लीटर या अभी। अच्छा, ये देखो 20-25 तक कम की नहीं है इनमें कोई सी भी है। अच्छा, ये देखो भाई, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार गाय है भाई, ये बहुत ही शानदार होस्टन फ्रीजन। और ये इससे अगली जी? या 2500 ऊपर ही दे दें जी, कुछ ये भी 2500 ऊपर जी, 5500 दे दें।
ये देख लो जी, ये भाग रही का फिलहाल, ये काली वाली नहीं, दूध दे रही है। अच्छा ये अभी दे रही। और भाइयों ये देखो, एक और ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है इनके पास, ये देखो जी, एक से एक गाय ले रहे भाई। और ये कौन से ब्यात में है जी, ये चितकबरी, ये चौथे ब्याह होगी जी। अच्छा ये भी घर की एक बार से लेकर आए थे? नहीं, ये बाहर से लेकर आए थे, ये पंजाब। अच्छा ये लेकर आए थे जी, जी। इसके बाद कितने हो गए आपके पास, मतलब इसके बच्चे कितने? इसके बच्चे तो जी मुझे दो तो बेच दिए थे। अच्छा और वो जो खारके की है वो इसी की है? वही इसी की है। अब तो इसकी वही है आपके पास? बस वही है आपके मेरे पास जी। हाँ अच्छा। और एक गाय ये है जी, ये भी इतने दूध की? हाँ या 22-23 किलो दूध दे रहे हैं। आप तो गजब है जी, सारी गायें इस तरीके से ले रहे जी। आ जाओ। और भाइयों ये है कि खारके की जो गड़बड़ हुई? हाँ। इसके सींग निकलवाया आपने? अजी बस टाइम नहीं लगा तलवान का। अच्छा जी। ये खारके में है? खारके में है। ये कौन सी नस्ल का है जी इसको? साहिवाल जर्सी है जी। अच्छा जी। तो ये भी दांत तोड़ गई? नहीं यूनी है। अच्छा ये यूनी है। और जो आगे बैठी जी, या 20 महीने की होगी जी, या भी हो गया बन? हाँ होगी। ये देखो भाई, ये इनके लुआरू हैं, साइड में इन्हीं के बच्चे हैं ये, और बहुत ही बढ़िया प्रबंधन ले रहे। ये इसी गाय की है जी। अच्छा ये इसकी। और ये देख लो भाई, ये फुहारे लगवा दिए, फुहारे चल रहे और गर्मी का इंतजाम कर लिया, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब जैसा ये 8 गाय है आपके पास, कितनी जी जी कितना दूध हो जाए लगभग आपका? 1 क्विंटल दूध हो जाए घर घर का ही जी। तो इसमें आपका ठीक एवरेज आ जाए, जैसे भाई किसान दूर भाग रहे इससे पशुपालन से? नहीं बढ़िया आ जाए जी, बढ़िया एवरेज आ जाए, आपका खर्चा निकल जाए, बचत भी हो जाए। हाँ घास घूस घर का है जी। हाँ जी। और अपना लैपटॉप भी देते हैं जी। नहीं जैसा आज के बच्चे जो है इससे दूर भाग रहे पशुपालन से, आप क्या कहना चाहोगे इन बच्चों को? जी महाराज बढ़िया काम कर रहा। आपका बढ़िया चल रहा? सही पड़ता है, है जी। मैं आदमी हिला करना नहीं चाहते जो उन्हें दूर भाग रहे। अच्छा तो आप मतलब आपके यहाँ घर के ही हो जाए, नए जो पशु तैयार के कुछ लेकर आने भी पड़े? बस ज्यादा तो घर के ही हो जाए जी, मैं तो बेच ही लो इनमें एक दो आए साल। अच्छा बेच भी लो? बेच ले। और नस्ल आपने बढ़िया तैयार करी ली? हाँ बढ़िया तैयार। अगले टाइम पर आ जाए है जी, अगले टाइम पर आ जाए जी, बड़ा मैं देख जाने के लिए वो तो करना पड़ेगा मेरे को, रेत के लिए फिरना पड़ेगा मेरे को जी। ओके जी जी जी। तो दूध निकालने का क्या मतलब, किस टाइम दूध निकालो, किस टाइम सप्लाई करो? हम जी 5 बजे तो शाम के टाइम लग जाए खड्डन। अच्छा। और 5 बजे सुबह? 5 बजे सुबह जी। तो बाहर पहुँचा पाओ दूध? हाँ कराना पहुँचाते हैं, कराना पहुँचाओ। तो भाई साहब जैसा मान लिया ये गाय है आपकी 20-25 लीटर तक की जी, इनका खुराक में क्या रखो? फीड है जी 1-8 हजार टिवाना। अच्छा। और छिलका है, चोकर है बढ़िया वाला। अच्छा। बनोड़ों की खाल है। अच्छा। सिरसम की खाल है। ये दो चने का खाना जी, ये देते रहो। ये एक पशु को कितना दे दो लगभग? एक पशु को दे दे जी 5-6 किलो दिन में? दिन में 24 घंटे में? अच्छा 24 घंटे में, मतलब इतना अंदाजा है, इतना एवरेज आ जाए। और जैसे मान लिया इनमें कैल्शियम वगैरह टूटने की शिकायत आ जाए उसके लिए? हमने नहीं जी कभी ना, हमारा कैल्शियम टूटा ना दिया कभी। अच्छा कैल्शियम टूटा ही नहीं? नो। पहले से अपना ध्यान रखो जी, साफ सफाई का जी। नहीं साफ सफाई तो आपने ठीक रख रखी। और भाइयों ये देखो, एक से एक गाय है भाई के पास, बहुत ही शानदार कमी किसान भाई रखे हैं भाइयों ऐसे पशु। तो एक पशु को जो आपका वो जो शानदार है उसे खोल कर दिखा दो एक बार। अच्छा जी। हाँ ये गाय है ना? या? हाँ परले वाली जो ये खारके में दिखाए? अच्छा दूसरे में। ये देखो भाई ये पशु खोल कर दिखाऊंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पशु हैं। नहीं तो ये इससे भी ऊपर लिए हैं दो गायें, पर ये दिखाऊंगे। ये देखो जी दूसरे में, ये फ्रीजन में है जी, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन। ये देख लो भाई बहुत ही जबरदस्त। ये देखो जी बस जी मोड़ लो, इसका दूसरे ब्यात में है इस साल जी, जी। पिछले ब्यात में क्या दूध रहा था इसका? इसका रहा था जी 17-16 रह गया था।
चार दांत है। अब कितने दिन की ब्याह हो रही? चार महीने की। अच्छा, चार महीने की होली। अब कितना निकाल ली फिलहाल? 20 लीटर निकाल ली जी। अच्छा, अब 20 निकाल ली, ये देख लो भाई। अच्छा, दूध भी घाटा है, ये देख लो। बहुत ही जबरदस्त। अब पानी पीने के लिए आई होगी, पानी की तरफ भाग रही है जी। जी तो भाइयों, ये देखो आज समरे भाई के घेर की वीडियो है ये, और पशुपालन का बहुत ही ज़बरदस्त शौक है भाई का, और दूध का काम भी है, और एक से एक गाय है हमारे एरिया में। इससे ऊपर गायें शायद ही कहीं देखने को मिले, जितनी बढ़िया पशुधन का ये जो है सारा अपना इनका संकलन है, एक तरीके से संग्रह है। तो भाइयों, ये आज खुरगान गांव से वीडियो थी समरा भाई के घेर की, और उम्मीद करता हूँ कि किसान भाइयों को ये ज़रूर पसंद आएगी। भाइयों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर भी करते रहिए। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।